हेलो भाई लोग, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई पोकेमोन गया की एपिसोड में। और भाई लोग, पिछली बार अपन लोग आ चुके थे इस वाटरफॉल के पास, बट आप लोग ने बोला था भाई कि तू गलत जगह जा रहा है, भाई तू ना बहुत ही टेढ़ा बंदा है, सिटीज़ के अंदर तेरे को थोड़ा बहुत एक्सप्लोरिंग करना चाहिए जो कि कुछ मेन काम रहते हैं भाई सिटीज़ के अंदर, तू किया नहीं भाई। तू डायरेक्टली अभी भाई सीधा तीर और धनुष लेके जाके चलाएगा तो किधर से भाई तेरे को खुद को ही चोट लगेगा, अब थोड़ा सीखना पड़ता है भाई। तो वही सीन यहाँ पे भाई, हमको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा और एक्सप्लोर करने के बाद ही वो चीज़ मिलेगा जो आगे जाने में हमें हेल्प करेगी भाई। और आप लोग ने वही बताया मेरे को, यहाँ पे कुछ एक होटल है शायद से, उसके अंदर मेरे को जाने का है एंड थोड़ी बहुत बैटल्स करना है। आप लोग ने बताया तो होटल्स तो भाई आलीशान होते हैं, बाकी बैनर वगैरह नहीं होगा तो फिर बंगार होगा और क्या। ये लग सकता है, ये हो सकता है, या मे बी इट मे बी अ होटल आई थिंक। अबे चल भाई साइड में नाम देखते इसका। ये रहा भाई प्रिशिमॉस होटल, प्रिशिमॉस बढ़िया एकदम सही है एकदम, मतलब देख के ही पता चलता है भाई लग्जरी भाई एकदम, मतलब होटल वगैरह देख के पता चलता है। क्या सैल्यूटेशन गुड शेयर द प्रिशिमॉस होटल वेलकम्स यू। अरे थैंक्स अ लॉट बड़ी, इतने बड़े होटल में अभी तक गया नहीं हूँ। दिस प्लेस इज़ फैंसी, मतलब फाइव स्टार में नहीं, बाकी तो अपने इधर बहुत होटल है चिंदी चोरा उसकी बात कर रहा हूँ। ओ माय अ पेस्टेंट, आप लोग में से कितने लोग भाई जो फाइव स्टार होटल में गए भाई मेरे को कमेंट करके बताना, या फिर फाइव स्टार या फिर उसके ऊपर कितने लोग गए मेरे को कमेंट करके बताना। मेरे को पता है बहुत कम लोग गए, बट शर्माने वाली कोई बात नहीं है, मैं भी नहीं गया ठीक है, टेंशन नॉट। जस्ट टेक दिस एंड लीव माई प्रेजेंस, अ रियल स्टोन दिया भाई बंदे ने, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। डिड यू नो यू पोकेमॉन लव यू इफ यू रेज देम विद लव, फॉर एग्जाम्पल मै सी यू फर्स्ट पोकेमॉन, इट्स क्वाइट फ्रेंडली विथ यू, कीप बींग गुड टू इट। अच्छा मेरा पहला पोकेमॉन बाय द वे है कौन सा, इनफर वीना भी अच्छा भाई, काफ़ी बॉन्डिंग अपनी है अच्छी वाली उसके साथ। माय वाइफ कलेक्ट फैसिनेटिंग आइटम्स, अच्छी बात है, ये है आपकी वाइफ सर जी। आई कलेक्ट एंशिएंट आइटम्स, आई एम विलिंग टू सेल आउट बिग बक्स इफ यू कैन ब्रिंग मी सम, डू यू हैव एनीथिंग फॉर मी, लेट मी सी। ये क्या है भाई, ये क्या है, रिलिक स्टैचू, रिलिक क्रोन, आई डोंट न्यू द यूसेस ऑफ दिस आइटम सो आई एम नॉट गोना बाय एनी ऑफ देम, एक भी नहीं चाहिए भाई यूज़ पता नहीं, तो क्या घंटा ले क्या करेगा क्या भाई, तू क्या करके लेगा भाई। हेलो, बात करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, यहाँ पे जहाँ पे दिखे ना, जहाँ पे दिखे गुफा वहाँ पे ट्रक घुसाओ। ओके देर आर सम सेडी फॉक्स अपस्टेस, आई डोंट फील सेफ गोइंग टू माई रूम। अरे टेंशन क्या, बॉडी गार्ड हूँ तुम्हारा, चलो मेरे साथ। ए भैया, ए बॉय क्या कर रहे, हे आई एम नॉट सस्पिशियस, यू डोंट थिंक सो डू, तेरे भैंस का आजा पंगा ले मेरे से, पागल लड़की, क्या पागल है भाई, क्या गुंडा बनेगा रे तू बीजिंग लेके। अरे लेवल ज़्यादा है भाई, ये लगने वाली है। अरे मेगा ही ना अपने पास, मेगा जब तक है जब तक टेंशन वाली कोई बात नहीं भाई लोग, भाई क्या ही गुंडा बनेगा भाई, ये गुंडा नहीं बनेगा, ये तो गुंडी भी नहीं बन पाएगा भाई, आजकल की तो गुंडिया मस्त अलग ही लेवल की रहती है भाई। मतलब जो मूवीज़ में दिखाती है उसकी बात करो, बाकी रियल लाइफ में मैंने ऐसा कोई गुंडी नहीं देखा भाई अभी तक, नहीं गुंडा गुंडे तो भाई देखे हैं, गुंडी नहीं देखा अभी तक मैंने रियल लाइफ में, आप लोगों ने देखा है भाई गुंडी, मतलब समझ लो ना चोर डाका डालने वाले भाई, ऐसा नहीं अभी जाके रोड पे झगड़ा हो रहा है दो लड़की लोग का, उसमें से आपने एक को गुंडा समझ लिया, मतलब गुंडी समझ लिया और उसको एक गुंडी बनाया, ऐसा नहीं होता, समझ रहे होगे भाई, नहीं समझ रहे तो फिर क्या बताओ फिर। बाय द वे वीना भी चले जाएगा भाई, बन से ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो अभी एक दो स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ही ख़त्म हो जाएगा भाई, इसका सीन गड़बड़े। अरे ये तो निकल गया भाई, एक मिनट, अरे व्हाट, लेफ्ट एंड राइट नहीं, आई थिंक मेरे को ए, 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 नहीं जा सकते अंदर, द डोर इज ओके, दरवाज़ा बंद है, मेरे को लगा क्या सीन, वही मैं सोचूं सीन क्या चल रहा है यहाँ पे। प्रीमियर बॉल, चलो बढ़िया भाई, पोखे बॉल मतलब कोई भी टाइप का मिला बढ़िया, मतलब चलो सब दरवाजे बंद है, मतलब दो चेक किया। अरे भाई ये खुला, भाग भाई भाग भाग भाग, ओके यहाँ से निकलते, बच के दुनिया की नजरों से, ओ सनम बच जाओ इन पंगू लोग से। अच्छा ये बने, मेरे को लगा कहाँ से स्केच पे आ गई भाई, मरा नहीं भाई बिना बन डैमेज, अच्छा पॉइजन डैमेज देता है क्या, अच्छा ये होता है, बन नहीं देता भाई, इसकी टाइपिंग क्या है, फेरी है ना, पता नहीं याद नहीं मेरे को, अगर पॉइजन करना चाहिए मेरे को पॉइजन टाइप अटैक, इसकी टाइपिंग क्या है भाई कमेंट में बताइए मेरे को, इसकी टाइपिंग क्या है, प्रूगली की टाइपिंग क्या
जो भी हो सर्फ काफ़ी अच्छा वाला डैमेज दे रहा है, एकदम तड़कता फड़कता। तो अपन वही यूज़ करके इसको फेंट कर दिए। चलो बढ़िया है, एक नंबर एक नंबर। यहाँ पे काफ़ी सारे दरवाजे, और कौन सा दरवाज़ा भाई हमको, अच्छा ये दरवाज़ा खुला है वो, इंटरेस्टिंग। एक पहली बार मेरे को ये दरवाज़ा खुला हुआ मिला भाई, मतलब मैंने ज़्यादा तो चेक नहीं किया, बट जितने भी किए उसमें ओके ये भी खुला। व्हाट, एक्सक्यूज़ मी मैम, मतलब क्या चल रहा है भाई तुम्हारा यहाँ पे? मैं सबको टीम रॉकेट से प्रोटेक्ट करने के लिए, और इनका अलग ही सीन चल रहा है क्या यार, हद दे। नहीं ये टीम रॉकेट नहीं है भाई, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, ये टीम रॉकेट नहीं है भाई, ये नई विलेन से, मतलब कोई अलग ही विलेन से जिनका नाम भी मैं को नहीं बताऊँ। बाद में को इनके कपड़े देख के टीम रॉकेट की याद आ गई, इसके लिए उन्होंने बोल दिया भाई। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। अरे भाई ये नॉर्मल टाइप है, इसके लिए फाइटिंग टाइप अटैक करना है इनको, पागल हूँ। अभी मैं नाम नहीं देख रहा भाई, पता है अभी नाम नहीं देख रहा। यूटन भी काम करना चाहिए, नहीं करेगा तो भी क्या, अपन एडवांटेज ले लेंगे। किसके पास है फाइटिंग, नॉर्मल के ऊपर साइकी का पता नहीं। अच्छा वो फाइटिंग टाइप भी है क्या, मेगा लॉपनी फाइटिंग होती है, इसका पता नहीं, साइकी करते हैं जो होगा देखे। अच्छा यो मेगा पीजी ऑट बने तो मज़ा आता भाई, मगर नहीं बना। चल उसके पास कहाँ से होगा मेगा स्टोनो, नी मुन्नी ट्रेनर भाई आ जाते मेरे से पंगा लेने। भाई संजू भाई को हराना बच्चों का खेल नहीं है यार, किधर से आ जाते ये लोग, आप भाई टाइम बर्बाद करते बस इतना, बस और कुछ नहीं। आई थिंक मेरे को इस चपड़गंजू से भाई व्हाट बैटल नहीं हो रहा, आई एम नॉट मूविंग अंटिल द बॉस गिव्स मी द सिग्नल। ओके तू नहीं हटेगा तो भाई ये भी नहीं हटेगा फिर, अभी तो बैटल हो रहा है, लिख लो भाई कैसे। एक समझदार अच्छा छोकरा, एक भाई बेकार ड्रैगन टेल मे बी गिव्स। ओके कुछ नहीं, फिर से गलती हो गई। अबे यार कंट्रोल एंड ओके, इसके ऊपर बात नहीं बनने वाली। रॉकी सॉरी मेरे को उसको ठंडर नाम देना, छोड़ो यार रॉकी भैया, दिखाइए थोड़ा अपना दम, डिस्चार्ज मारियो। इलेक्ट्रिक ठंडर स्टोन से ये बनेगा इलेक्टबस, बट वो है नहीं ना मेरे पास यार, वो पता नहीं मैंने बैग बहुत मिस्टेक भी नहीं किया। ओके पैसे अच्छे मिलते हैं। हो एक्सक्यूज मी व्हाट इज टेनिशन आर यू डूइंग, पापा लेट सो एम, ये बाप बेटी है भाई, बाप बेटी या फिर बेटी जो भी हो, बाप बेटी है भाई, गारंटी वाली बाप बेटी है। और एम्बोर एंड मिल टैंक एपिक, लिटरली भाई सर्फ से सबको डैमेज पड़ेगा ना। एक्वाटेल इसको एंड मैजिक साइंस दोनों को डैमेज दिखा रहा, तो वही मारेंगे भाई। ओके बढ़िया भाई, ऐसे अटैक्स काफ़ी काम के आते भाई, जो ड्यूअल डैमेज देते मतलब दोनों पोकेमॉन को देते डैमेज, यहाँ पे ऐसे अटैक्स काफ़ी अच्छा काम करते भाई। इसके ऊपर आप साइकिल मारते हैं, मतलब जो ज़्यादा डैमेज दे वही मारो, एक ही साइकिल में भाई मिल टैंक चले गया। उसका डिफेंस काफ़ी तगड़ा है भाई, ओपी एकदम, मरता नहीं भाई जल्दी, वो फेंट नहीं होता, मतलब मरने की बात छोड़ो फेंट नहीं होता जल्दी। हेलो बड़ी, ओके सर चलो बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, फटाफट बैटल करो यार निंजास्क। एक्सक्यूज मी, नहा लो बांस मार लो इसके लिए, डोंट बी बांस मारिंग, थोड़ा पानी लेंग एंड नहाइंग, गर्मी बहुत बढ़ी तो हमको ठंडा पानी अच्छा लगें, और ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए भाई बाथरूम सिंगर बन जाना चाहिए। देखिए आई एम अ प्रीटी गुड सिंगर गाइस, मैं बहुत अच्छा गाया हूँ, क्या लगता है तुमको, सबको मेरे ख्याल से सब एग्री करते होंगे। योर संजू भाई इज़ अ गुड सिंगर, पता है ना आपको। ये लो भाई बातों में एक चले गए भाई, मतलब पहले पॉइजन बंदा, पॉइजन कन्फ्यूज था पता नहीं क्या, पैरालाइज हुआ था फिर पॉइजन भी हो गया था पता नहीं नहीं पता भाई, नहीं देखा उतना अच्छे से। और क्या, अच्छा ये बंद है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं, ओके इसमें देखते हैं। हेलो रिमोट डिलीट हिस्ट्री किट्स, अरे ये ना गूगल क्रोम वाला बंदा है भाई, पहले बता रहा हूँ, गूगल क्रोम वाला है भाई, हिस्ट्री डिलीट कर रहा है भैया, गूगल क्रोम वाला बंदा है वो। ओके अंकल क्या वो बुखार ही क्या, ओके सो रहे भाई बंदे, मेहनत किया होगा अंकल ने ज़्यादा भाई, हो सकता है। ओके जिसको बैटल करना रहता ना भाई पकड़ के बैटल करते, जिनको नहीं करना रहता वो नहीं करते। ओके डार्क टाइप भी है, डार्क के ऊपर फेरी इफेक्ट होता है मैजिक साइन, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी था, बट उसने अटैक नहीं किया, उसने फालतू गिरी किया तो हम लोग जीत गए भाई। क्रॉडंट इलेक्ट्रिक टाइप चाहिए इसके लिए, चलो कोई ना ग्रास टाइप भी चलेगा, दौड़ेगा भाई, चलेगा नहीं दौड़ेगा, ये लोग दौड़ा है
शॉर्ट डांस भैया ये गलत सीन होता है, छोड़ो क्या ही बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोलना मेरे को। ओके ख़त्म, सब खत्म, सब खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, इससे बैटल नहीं होगा। ए भाई रास्ते में आ गया भाई तू तो, हद यार। इसका नाम क्या पता है, रोनाल्डो नहीं रोनाल्डो, इसका नाम रोनाल्डो नहीं रोनाल्डो, RONE। अबे मैं भूल गया था इसकी टाइपिंग, चलो कोई बात नहीं, फेंट तो वैसे भी हो गया। वेलकम वेलकम टू द पीजे चामी, जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लो, बाकी बनोगी मेंबर तो बहुत अच्छा लगेगा तुमको। ए एक्सक्यूज मी बड़ी, इसके अंदर कुछ है क्या, बंद है दरवाज़ा, जाने दे भाई मेरे को ऊपर। यहाँ पे सब तो सीन सही है ना भाई, सब दरवाजे मैंने चेक किए ना, तो जाना किधर है भाई, ये भी बंदी है भाई। यहाँ पे एक आखिरी वाला बच्चा है, अरे भैया इतना जोर से पकड़ लिया भाई, क्या बात है क्या बात है, वही ना क्या बात है भाई। ओके ट्रीवेनेंट को देख के इसको जो वोकिन इनाइट के अंदर डाले थे भाई, हद दे भाई, मतलब क्या भाई, छोड़ो कुछ नहीं बोलना मेरे को, फालतू की कमेंट्स नहीं करने किसी वोकिन के ऊपर, अच्छा नहीं लगता भाई, उनकी इज्जत ख़राब होती है भाई, अपनी इज्जत ख़राब होगी तो आप लोगों को कैसी लगेगी वैसी, इसके लिए नहीं करने का भाई। पोखे ने तो क्या वैज्ञ तो सबकी देती है। अरे भाई मैक्स भाई मिला भाई, मेरे को जाना किधर है भाई, मैंने ए टू जेड टोटल पूरा एक्सप्लोर किया भाई। ए अंकल, ए अंकल नहीं तेरी भैंस की टांग हटी हो, हटना भाई, अभी तो तेरे बॉस का लोकेशन बताइयो कम से कम, मैं भिड़ लूँगा उससे भाई, बता रहा हूँ मैं, डरता रहता नहीं किसी से, मेरे पापा को छोड़ गया बाकी से डरता हूँ। डैड इज डैश डैड, माई डैड इज डैड, क्या बताऊँ मैं, कुछ नहीं बोल सकता भाई, मेरी हिम्मत ही नहीं है, हार मान दो। अबे भाई लोकेशन क्या अंकल, कुछ बताइए बच्चे बताना भाई। हेलो तुम्हारी भैंस की टांग क्या है, इंसान क्या है, रे लोग भाई कुछ बता ही नहीं रहे भाई, मैं करूँ तो करूँ क्या अभी फिलहाल। एक्सक्यूज मी मैम, डू यू हैव एनीथिंग प्लीज़, तुम जस्ट एक मिनट यहाँ पे, उसे कुछ नहीं भाई लोग, ये देखो यहाँ पे शर्ट्स मिला भाई लोग, जस्ट वेट, मैं काम करता हूँ पूरा सिटी एक्सप्लोर करता हूँ, बाकी फिर देखता हूँ कि मेरे को करना क्या, क्योंकि अगर ऐसे करूँगा तो फिर इसमें टाइम वेस्ट होगा और आप लोग बोलोगे भाई एपिसोड को फालतू में लंबा क्यों करियो भाई, मत करियो ठीक है, तो एक मिनट को मैं एक्सप्लोर करता हूँ एकदम अच्छे से सब कुछ, फिर जो होगा वहाँ पर मिलते ठीक है। ओके भाई लोग यहाँ पे सीन क्या है पता है, यहाँ पे हमको भाई जितने भी ये देखो जो विलेंस के हैं ना जो ब्लैक कॉस्ट्यूम में जितने भी यहाँ पे भटक रहे हैं उन सभी को हराने के बाद ये बंदा हटेगा, तो अभी देखते हैं, मैंने मेरे ख्याल से मैंने सबको हरा दिया है। यू हैव बीट ऑल ऑफ द अदर गाइस और फाइट देन, ओके तो मतलब जितने भी भाई ब्लैक वाले ग्रंथ से इन सबको हराना, तो मैंने ऑफलाइन में यही देखा भाई, और यहाँ पे फिर से आके मैं जस्ट गूगल गया था भाई, मेरे को गूगल पे पता चला ये सीन की क्या हुआ, बाकी फिर भाई मेरे को जैसे पता चला कि सबको हराना है। एक्चुअली मैं क्या किया पता, मैं भाई देखो कुछ बंदे ने मतलब दो चार लोगों ने मेरे को कमेंट करके बताया था कि करना क्या है, तो फिर मैंने सोचा गूगल करते, बट मैं गूगल करने से पहले मैंने सोचा भाई अपने बंदे लोग ने कमेंट करके बताया तो फिर दिक्कत क्या है भाई, मैं फटाफट गया भाई अपना यूट्यूब का स्टूडियो खोला, उसके अंदर कमेंट ढूंढा और फटाफट दिखा, अरे भाई ये सीन है सबको धोना है भाई, अरे भैया ये भाई, तो फिर मैं आया फटाफट जो आप लोगों ने कमेंट किया था उसके हिसाब से भाई। देखो मैं क्या है ना, मैं कमेंट्स पढ़ता दिन में वो कभी 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 रात को पढ़ता हूँ, बट क्या है जब रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ ना तो तब तक थोड़ा दिमाग से निकल जाता है, इसके लिए सीन गड़बड़ हो जाता है, बाकी तो फिर आप लोग बहुत अच्छे हो भाई कमेंट करके सब कुछ बता दो, थैंक्स अ लॉट आप सभी को, आई लव यू गाइस। कुछ ज़्यादा हो गया बट कोई नहीं, सब लोग मेरे से प्यार करते हैं, मैं भी सबसे प्यार करता हूँ, बस आप लोग से हाँ और आप लोग से ठीक है कोई ना। ओके आई गेट यू प्रोबेबली हेयर टू टेक मी आउट, If we wake up that guy, we will both be in the hot water. मज़ा आया भाई, नहीं मज़ा नहीं सजा है, ठंडी के टाइम बोल दे तो अच्छा रहता, सो रहा है। लेट्स गेट दिस ओ विथ बी क्वाइटली बट क्वाइटली, ओके बट क्वाइटली, अब तुम शांति से बैटल करना चाहते हो भाई, ये भी सही है, चलो नया कुछ ट्राई कर रहे हो, नहीं करना चाहिए ना, नया ट्राई करते रहना चाहिए, सो रहा है भाई, सो जा, एक तो पहले से बेड पे पड़ा हुआ है, अब तू भी सो जा भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम ये हमारी नींद सब खराब करते भाई, मेरी नींद के बहुत फंडे है भाई, मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स ना मेरी नींद ख़राब करते भाई, बहुत गंदा होला, बट क्या करूँ भाई मजबूरी है, मैं किसी दिन पैसे कमाऊँगा अपने फैमिली वालों के लिए अलग रूम दे दूँगा, और मैं खुद एक छोटा सा कहीं रोड के साइड वाइड में रूम लेके उसमें रहूँगा। देख रहे हो क्या सोच है मेरी,
फैमिली जितनी रहेगी ना उनको भाई एक अच्छे से फ्लैट वगैरह में रूम लेके दे दूंगा। मैं मस्त जाऊंगा रोड के बाजू में एक नन्ना छोटा मोटा रूम लेके भाई उसके अंदर रहूंगा, बस उसके अंदर अपना सेटअप लगाऊंगा, लाइव स्ट्रीम करेंगे फिर बस भाई बाजू में कुत्ते भौंकेंगे और क्या भाई, इडली वाला आएगा भाई, केला वाला आएगा, मतलब सब मज़ा आ जाएगा भाई क्या सोचे मेरी। साउंड्स लाइक वी वॉक हिम डिस्ट्रेसेस इट इन वर्थ गोइंग टू जेल, दैट ओल्ड लेडी डिडंट इवन प्रॉमिस अ बिग रिवॉर्ड फॉर मी एनीवे, गुड लक किड। अरे भैया क्या है ये, ओ भाई आ गया ये मैन है हम। व्हाट वाज ऑल दैट नॉइस, वेट हाउ डिड यू गेट इन हियर, ओ यू मस्ट बी रूम सर्विस, सॉरी आई वाज स्लीपिंग। कौन बोला रूम सर्विस भाई, आर यू आइंग माई प्राइस ऑन द टेबल, हा डोंट बी एम्बरेस्ड, आई डोंट ब्लेम यू, दिस इज अ टैबलेट आइडॉल, इट्स वन ऑफ मेनी एक्चुअली, द स्टोरी गोज दैट द टैबलेट्स अराउंड द रीजन रिएक्ट टू अ स्पेशल मेटल इन साइड द आइडॉल्स, आई एम सपोज टू डिलीवर दिस वन टू द एस्टेल सिटी लैब, एट सेल सिटी लैब, आई एम नॉट गोइंग टू लेट वर्क इंटरप्ट माई वोकेशन दो, आई पेड एक्स्ट्रा फॉर दिस लक्सरी सूट, वॉट यू डिड डिलीवर इट फॉर मी, नहीं भाई नहीं मैं नहीं कर सकता। वेल हाउ इट्स अ मैन मेंट टू टर्न डाउन एन ऑफर लाइक दैट, एंड फ्रॉम अ रेड हुड कार्ड होल्डर नो लेस, आई एम श्योर आई कैन ट्रस्ट यू टू डिलीवर इट, भाई साहब टैबलेट आई डोंट मिला, हा जस्ट डोंट गो गिविंग टू इट स्ट्रेंजर्स, इमेजिन दैट दिस आइडल इन द हैंड्स ऑफ इविल पीपल, नो दैट विल बी डिस्ट्रॉटर्स, ओके गुड थिंग्स आई एम नॉट रेकलेस, आई विल हेड यू पोकेमोन, आई विल हील यू पोकेमोन, सॉरी हील यू पोकेमोन टू से थैंक्स। ये क्या बात है भाई, नर्स जो है तो फ्री में करती है और पागल इंसान है। पी पी अब स्टेल एट स्टेल ऐसे कुछ तो बोला बंदे ने, पता नहीं ना, फटाफट चेक कर लेते भाई। अब स्टेल एट सेल चल रहे भाई, मैं बेटी एक मिनट यार, यही ओके यही एट सेल, अब एक मिनट भाई ये हो गया, बट अपन को बे यार वो किधर से मिलेगा, वाटरफॉल, हाँ वाटरफॉल सही याद आया, चलते हैं देखते हैं। अरे जांडू भाई, ओ संजय ओ दे ओवर हियर, ओके ओवर हियर, दिस इज द लाइफ इजंट इट, जस्ट रिलैक्सिंग ऑन द बीच, वेल नॉट एनी मोर, वी हैव गॉट वर्क टू डू, विच विल बी ट्रेनिंग, रिमेंबर लेट्स बैटल, आर यू रेडी, यस ब्रो आई एम सुपर डुपर रेडी, लेट्स गो। मेरे पोकेमोन उसकी हालत तो पतली नहीं है क्योंकि बंदे ने हील किया था मेरे पोकेमोन को, एंड हरियामा के लिए साइकिक चलेगा, वीना भी चलेगा, मेरे ख्याल से इसके पास भी कुछ तिगड़म होगा भाई, इसके लिए अभी मेगा एवोल्यूशन यूज़ ना करो, थोड़ा बचा कर रखो साइकिक। अरे नहीं बुलेट पंच स्टील टाइप, अच्छा डैमेज पड़ा गाड़ी को, ओहो जस्ट बचा है बंदा। एम्पोलियन वाटर प्लस स्टील, गंदा पड़ेगा भाई, गंदा सीन होगा, वाटर प्लस स्टील के ऊपर इलेक्ट्रिक, स्टील रेजिस्ट करता है ना भाई स्टील इलेक्ट्रिक को, या फिर डैमेज पड़ता है अच्छा वाला, पता नहीं लेट्स ट्राई। और अरे वन इट भाई बहुत बढ़िया, अब कौन आ रहा है भाई, अरे वाह थंडर बोल्ट सीख रहा है, ये अच्छा अटैक है, थंडर पंच डिस्चार्ज इलेक्ट्रोवॉल, इलेक्ट्रोवॉल सोचो हटा दूँ भाई, तो डिस्चार्ज ही हटा दो, क्या जरूरत है, डिस्चार्ज हटाओ रखो या फिर थंडर बोल्ट, बात तो एक ही थंडर बोल्ट ही रखो भाई, थंडर बोल्ट की डैमेज ज़्यादा होती है, मैंने पोकेमोन नहीं देखा पता है। हरियामा फिर से, चलो कोई बात नहीं, इस बार ये फेंट हो जाएगा थंडर बोल्ट से, अच्छा ये फेक आउट करने आ रहा है बार बार भाई, बंदा साना है, फेक आउट फर्स्ट हिट मिलता है उसको, उसके लिए गीगलित, अरे ये ही गलती होती है, चलो मैं भेजता हूँ माइलोटिक को, ओके आयरन डिफेंस, डिफेंस बढ़ा है सर्फ से भाई, पूरा डिफेंस बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई एक एचपी सीन, एक एचपी भाई, गंदा 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 सीन, मतलब गंदा सीन एकदम, बट कोई बात नहीं, बंदे अटैक नहीं करते, डिफेंस करते करते रॉटम, रॉटम के लिए कौन सा वाला है भाई दिव्यो, अरे भाई किसको भेजू, बंदर को भेजते, बंदर धो देगा भाई, लिटरली धो देगा, एंड मैं सोच रहा हूँ क्लोज कॉम्बैट मार दूँ, ये फायर वाला है पता है, फायर वाला है, फायर प्लस इलेक्ट्रिक, हाँ फायर प्लस इलेक्ट्रिक, नहीं देख के ऐसा लग रहा है भाई, बाकी है कि नहीं वो मेरे को पता नहीं फायर वाला, बट चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपन ने फेंड किया ना तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है,
लीफियन एकदम कड़क भाई, एकदम कड़क, मस्त मस्त पोकेमोन निकाल के रखे अपने, मस्त एक नंबर। शॉर्ट डांस करके क्या करोगी, क्विक अटैक मारती है, कोई बात नहीं, अपने पास टैलेंट है भाई, टैलेंट, लेट्स हिट हिम विद फ्लेम थ्रोअर। इसका आखिरी पोकेमोन कौन सा है भाई, इसके पास कोई मेगा इवोल्यूशन नहीं है भाई, मेरे को वो दिक्कत दिक्कत हुई। बाद में मैंने भी अपने पोकेमोन को मेगा इवॉल्व नहीं किया, अल्टारिया में भी मेगा इवॉल्व हो सकती है, अल्टारिया के पास मेगा स्टोन नहीं है, इसके पास होती तो पहले बार में ही मेगा इवॉल्व कर देते भाई बंदे, मतलब एक तो इसने लास्ट तक बचा के रखा तो फिर फर्स्ट टर्न में ही हो जाता उसका, देखने को मिल जाता। गाड़ी और का एक एक पड़ेगा ना भाई मैजिक साइन तो फिर ओके चलो, जो सोचा वही हुआ, बहुत बढ़िया, एक नंबर ओपी है एकदम। चल भाई लेवल 50 हो गया भाई, राइवल जंडो हमने हरा दिया हमेशा की तरह भाई, अपन आर द बेस्ट स्निप, आई सपोज टू दिस गुड थिंग, इट मीन्स यू हैव बीन ट्रेनिंग वेल, सी वी हैव बोथ बीन वर्किंग प्रीटी हार्ड, वाई डोंट वी रिलैक्स अ लिटिल लॉन्गर, दोस डाइविंग टोर्स जस्ट ओपन अप, वट डू यू सी, वन क्यू एम शॉट, आई विल टेक योर अनवेरिंग साइलेंस एज अ यस, अच्छा सी यू दिस स्लोपोक, तेरी भैंस की टांग स्लोपोक बोलता है मेरे को, पकड़ता और उतर को, कहाँ गया वो रिलैक्सिंग, कहाँ गया भाई वो, छोड़ो पोकेमोन सेंटर किधर, इस बार बंदे हील नहीं किया पोकेमोन यार, क्या बात है, ए भाई इधर चल, लेफ्ट चलना है भाई, फिर स्क्रीन दिक्कत दे रहा है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, सहना पड़ता है मेरे को, कोई नहीं कोई नहीं, चलना भाई, ओके अब सही जा रहे। सीन क्या है पता, ये मेरा फ़ोन जो है ना भाई, ये थोड़ा भी पुराना बहुत हो गया, मतलब बहुत पुराना हो गया, एंड ये ठीक से वर्किंग भी नहीं करता, बट ये यही जान है भाई, इसके दम पे अपन ने अपना चैनल खड़ा किया तो इसको इतने आसानी से नहीं छोड़ सकते, लिटरली बता रहा हूँ भाई, इतने आसानी से मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, सच में इसके दम पे भाई मैंने अपने दोनों चैनल्स खड़े किए भाई इसी फ़ोन के दम पे, तो इसको इतने आसानी से छोड़ देंगे तो भाई फिर अच्छा सीन नहीं होगा, ठीक है, तो फिर थोड़ा बहुत मैं सहता हूँ, पता है क्यों, क्योंकि इस फ़ोन के साथ मेरी बहुत सारी यादें और जितने भी गेम्स की मेरी सेव फाइल्स सब इसके अंदर है, और बाकी सब भाई पूरा सिस्टम भाई मेरा, फ़ोन भले पुराना है 2 GB रैम है, हैंग करता है, लैग करता है, बट या मेरा सब काम इससे हो जाता है एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया सीन है, एकदम सेट है भाई मेरे हाथ में ये, वरना इसका भाई डिस्प्ले फूट गया था मैं भाई फालतू में पैसे खर्च करके बनवाता भी नहीं भाई, पता है इसके अंदर मैंने कितना खर्च कर दिया भाई, ख़राब हो गया था भाई फ़ोन, डिस्प्ले फूट गया था, चार्जिंग पिन टूट गया था भाई, सब कुछ बनवाया एकदम अच्छे से, ठीक है पैसे खर्च करके भाई, किसके लिए, क्योंकि अपना दोनों चैनल इसके ऊपर एकदम मतलब फिट है इसके लिए, बाकी सब तो भाई सीन सही है, जब तक चल रहा है चलाएंगे, वरना फिर जब होगा कुछ गड़बड़ फिर ख़राब हुआ, अब की बार अगर इसका कुछ ख़राब होता ना तो अब की बार मैं नहीं बनाऊंगा भाई, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक और फ़ोन है बट उसके अंदर मेरे को इतना पसंद नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग का उसके अंदर सिस्टम थोड़ा भाई बेकार है, बाकी इसके अंदर अच्छा है, इसके लिए मैं इसके अंदर ही करता हूँ। ओके सो भाई लोग आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना, आज के एपिसोड में भाई हम लोग ने वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं किया बट जो भी किया भाई काफ़ी अच्छा निकला वो, एंड आई होप आप लोग को मजा आया होगा आज के इस वीडियो में, बाकी मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को, एंड जाते जाते लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बस चले जाओ।